हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। टू कॉमन कैरेक्टर फाउंड इन सेंटीपेड, कॉकरोच एंड क्रैब आर ऑप्शन ई जॉइंटेड लेग्स एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रेकिया, ऑप्शन सी बुक लंग्स एंड एंटीनी एंड ऑप्शन डी कंपाउंड आईज एंड एनल सर्स। देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब के बारे में कौन से करेक्टर या कौन से फीचर कॉमन है। तो देखो, सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब, दीज आर ऑल द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सभी आर्थ्रोपोडा फाइलम के मेंबर हैं, लेकिन ये सभी आर्थ्रोपोडा की अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। अब देखो, आर्थ्रोपोडा के कॉमन फीचर क्या होते हैं कि इनके अंदर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है, जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बनता है। और आर्थ्रोपोडा की क्या खास बात है, इनके ऑर्गेनिज्म में जॉइंटेड अपेंडिसेस प्रेजेंट होते हैं। जॉइंटेड अपेंडिसेस का मतलब होता है कि इनकी लेग्स में जॉइंट मिलते हैं, जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। ये दो कॉमन फीचर है जो कि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में हमें देखने को मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में ही मेंशन है, जॉइंटेड लेग्स, यस, एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, एंड दीज बोथ फीचर प्रेजेंट इन द ऑल मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऑल्दो दे बिलोंग टू डिफरेंट क्लास। ठीक है, तो ये फाइलम लेवल पे क्या हो गया, कॉमन करेक्टर। अब देखो, ग्रीन ग्लैंड एंड ट्रैकिया। तो देखो, ट्रैकिया के थ्रू रेस्पिरेशन इंसेक्टा क्लास में देखने को मिलता है, और यहाँ पे इंसेक्टा क्लास से केवल कॉकरोच बिलोंग करता है। तो कॉकरोच के अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सभी के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। बुक लंग्स स्पाइडर में देखने को मिलेंगे। तो देखो, यहाँ पे सभी के अंदर बुक लंग्स रेस्पिरेशन में सपोर्ट नहीं करते, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। ऑप्शन डी में मेंशन है, कंपाउंड आईज एंड एनल सर्सी। देखो, ये दोनों फीचर होते हैं बेसिकली कॉकरोच के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी का कॉमन करेक्टर नहीं हुआ। सो हियर आवर करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन ए, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बेस्ट ऑफ लक।